नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी आज कैबिनेट का रिशफल हुआ है, मोदी जी ने आज तीसरी बार किया है ये, और कुछ इसमें जो भी अपडेट है वो सभी पूरी लिस्ट देख लेते हैं, और प्लस टोटल कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, सब कुछ देख लेते हैं। तो नई जो कैबिनेट में कौन रेलवे मिनिस्टर बना, देखिए पीयूष गोयल हो गए हैं नए रेलवे मिनिस्टर, और नए जो डिफेंस मिनिस्टर बनी है वो है निर्मला सीतारमन। ये इंडिया की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनसे पहले इंदिरा गांधी भी बनी थी, लेकिन वो पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर का उनके पास था पोर्टफोलियो, लेकिन ये फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की पहली बनी है। पीयूष गोयल बन गए हैं अब नए रेलवे मिनिस्टर, और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए। सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर नहीं रहे, अब इनको कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट मिल गया है। थर्ड रिशफल है, 9 नए मंत्री इंक्लूड किए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबिल होती है सिर्फ लोकसभा को। 4 का प्रमोशन कर दिया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में। 6 जो मिनिस्टर थे अभी कैबिनेट में, उन्होंने रिजाइन किया है, ये वॉलंटियर करके रिजाइन किया। 3 अदर जो सीट थी वो वैकेंट हो गई थी, तो 9 सीट हो गई थी, तो इसीलिए 9 नए करे गए हैं मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये 3, एक तो एक मोहन पारिकर जी, ये गोवा के मुख्यमंत्री बन गए थे, वेंकैया नायडू जी ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, और अनिल माधव दावे की डेथ हो गई थी। तो टोटल जो 6 मिनिस्टर जो छोड़ रहे हैं ये मिनिस्ट्री, कलराज मिश्र हो गए, राजीव प्रताप रूडी हो गए, बंडारू दत्तात्रेय, फगन सिंह कुलस्ते, संजीव बालियान और महेंद्र नाथ पांडे। पांडे को यूपी का बीजेपी चीफ बनाया गया। तो टोटल अगर आप देखें, ये देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पीएम है वो, प्लस इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तो है ही, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड होता है पीएम, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी पीएम के पास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज वाला भी होता है, और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू या फिर कोई ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी के पास नहीं है। अब ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट है, राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर ही है, सुषमा स्वराज जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, ये अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कॉरपोरेट अफेयर्स के हैं, नितिन गडकरी को देखिए इनके पास रोड ट्रांसपोर्ट था, और अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है इनके पास, अब इनको दे दिया गया नया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजिनोवेशन, ये पहले उमा भारती के पास था। सुरेश प्रभु को बना दिया गया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदानंद देवगौड़ा को बना दिया, ये तो है ही पहले से ही मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर है। उमा भारती मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में ही रहेंगे अब सिर्फ। रामविलास पासवान, इनको ये वही जो पहले था कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और संजय ये मानिका गांधी को ये बनाया, ये तो वही है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अनंत कुमार है ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में है ये। उसके बाद अगर आप देखें, रविशंकर प्रसाद है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, प्लस ये MIETY जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी है। नड्डा जी हैं हेल्थ मिनिस्टर, गणपति राजू पशुपति है एविएशन मिनिस्टर हैं, आनंद गीते हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री में है ये, हरसिमरत कौर ये फूड प्रोसेसिंग में ही है, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए हैं मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टील, जुआल ओराम ये ट्राइबल अफेयर्स है इनके पास, राधा मोहन सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, थावरचंद गहलोत है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, स्मृति जुबेन ईरानी ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है और प्लस मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, हर्षवर्धन ये साइंस वाला इनके पास मंत्रालय है, अर्थ साइंस वाला भी इनके पास है, और ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है ये आप याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, हर्षवर्धन के पास, साइंस वाली मिनिस्ट्री भी है, अर्थ साइंस की भी है, प्रकाश जावड़ेकर HRD मिनिस्ट्री इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान ये कैबिनेट में आ गए हैं, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ही रहेगा लेकिन कैबिनेट में आ गए हैं अभी, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पीयूष गोयल बन गए नए रेलवे मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो रहेंगे ये, निर्मला सीतारमन के पास डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सबसे बड़ी न्यूज है, और प्लस मुख्तार अकबर नकवी के पास मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, इनका ये प्रमोशन करके कैबिनेट बना दिया गया इनको। राव इंद्रजीत के पास बाकी इंडिपेंडेंट चार्ज है प्लानिंग का और प्लस केमिकल और फर्टिलाइजर का, संतोष कुमार गंगवाल के पास है लेबर और एम्प्लॉयमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सब इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं। श्रीपद येसु नायक हैं, इनके पास है आयुष का इंडिपेंडेंट चार्ज, जितेंद्र सिंह के पास है इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और प्लस ये जो पीएम ऑफिस का है प्लस पर्सनल मिनिस्ट्री का है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होता है, महेश शर्मा कल्चरल मिनिस्टर है, गिरिराज सिंह है MSME के मिनिस्टर, मनोज सिन्हा के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है रेलवे वाला, और राज्यवर्धन सिंह राठौर इनके पास मिनिस्ट्री ये जो
यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन बन गए हैं, राजवर्धन सिंह राठौर, और प्लस ये वही बने रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाले। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए राजवर्धन सिंह राठौर, राजकुमार सिंह ये हैं इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एमओएस वाला इंडिपेंडेंट है, प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई वाला। हरदीप सिंह पुरी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स अर्बन अफेयर्स। अल्फोंस का नाम थामन के पास है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फिर ये कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जैसे कि विजय गोयल, इनके पास ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हैं ये। राधा कृष्णन पी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और बी एफ डिग्री, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज आप ये याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस समय कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। नए डिफेंस मिनिस्टर कौन बन गए हैं, वो बन गए ये निर्मला सीतारमन, और उमा भारती को उसमें जो रिवर डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री से हटाया गया है, और अभी नितिन गडकरी को उसका उचार दे दिया गया और कई सारे लोगों को प्रमोट कर दिया गया। पीयूष गोयल हो गए रेलवे मिनिस्टर। ये जो तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें ये आप याद रखिएगा। देखिए यूपी पीसीएस में करंट अफेयर करीबन आप 15 दिन पहले ही छोड़िएगा, बाकी अभी 5 सितंबर तक कम से कम आप पढ़िएगा पूरी करंट अफेयर। एक बार ऐसा हुआ था कि पेपर में 15 दिन पहले कोई करंट अफेयर हुई थी और वो आ गई थी, तो इसलिए आप कम से कम 5 सितंबर तक तो पढ़ लीजिएगा। ये है पूरी लिस्ट, आप देख लीजिए एक बार। कैबिनेट मिनिस्टर मेन मतलब निर्मला सीतारमन है डिफेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर है राजवर्धन सिंह राठौर, रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और जो उमा भारती थी उनके पास वो चला गया। एचआरडी मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है, तो वो आप ये सब याद कर लीजिए, बाकी मैंने आपको बता दिया। जुआल ओरा में ट्राइबल मिनिस्टर, बाकी आप इसमें देख लीजिए एक बार। और महेश शर्मा है कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके पास, ठीक है। सुरेश प्रभु अब हो गए हैं मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, राजनाथ सिंह के पास होम मिनिस्ट्री है ही, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सुषमा स्वराज के पास। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।